दिखाई दे रहा है तुम लोग को? यस अब देखो, कल के आगे हम लोग बढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। इफ सर्टेन वेल रूल्स बी गिवेन बाय मीन्स ऑफ विच इट इज पॉसिबल टू फाइंड वन और मोर कॉम्प्लेक्स नंबर्स डब्लू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ जेड इन ए सर्टेन डोमेन डी, देन डब्लू इज सेड टू बी अ फंक्शन ऑफ जेड डिफाइंड ऑन द डोमेन डी एंड वी राइट डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ जेड। ठीक, जेड की फॉर एवरी वैल्यू ऑफ जेड डब्ल्यू इज डिफाइंड एज डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ जेड, देन डब्ल्यू विल बी ए फंक्शन। सिंस जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, एफ जेड विल बी ऑफ द फॉर्म यू प्लस आई वी, क्योंकि जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो एफ जेड भी कॉम्प्लेक्स होगा। वेयर यू एंड वी आर फंक्शंस ऑफ टू रियल वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, दस वी कैन राइट डब्ल्यू इज इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस आई टाइम्स वी एक्स वाई, वेयर एक्स वाई आर रियल। ठीक, अब नेक्स्ट देखो, सिंगल वैल्यूड एंड मल्टीपल वैल्यूड फंक्शंस। इफ डब्ल्यू टेक्स ओनली वन वैल्यू देन डब्ल्यू इज योर सिंगल वैल्यूड फंक्शन, एंड इफ डब्ल्यू गिव्स टू और मोर वैल्यूज ऑफ फॉर, कौन आ रहा है बार बार जी, फॉर सम और ऑल वैल्यूज ऑफ जेड इन द रीजन, देन डब्ल्यू इज कॉल्ड ए मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन ऑफ जेड। नेक्स्ट, नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट। A neighborhood of a point z zero in the argand plane is the set of all points z such that mod z minus z zero less than delta. Neighborhood मतलब हो गया पड़ोसी, where delta is an arbitrary small positive number. The number delta is called the radius of this neighborhood. एक rectangle हमारा बनेगा जिसमें z zero center पे हो जाएगा, तो mod z minus z zero less than delta होना चाहिए, उसके भीतर के सारे points are their neighborhood of this point z zero. Deleted neighborhood. If from a neighborhood of a point z zero, the point z zero itself is deleted or excluded, we get a deleted neighborhood of z zero. ठीक, अब आ जाते हैं हम लोग limits का definition क्या है complex numbers के लिए। Let f z be any function of the complex variable z defined in a bounded and closed domain D. Then L is said to be the limit of f z as z approaches a small a along any path in D. If for any arbitrarily chosen positive number epsilon, however small but not zero, there exists a corresponding number delta greater than zero such that mod f z minus l is less than epsilon for all values of z for which zero less than mod z minus a less than delta. ये हमारा limit के लिए हो गया। In symbols we write limit f z, z tending to a is equal to small a. ठीक, यानी कि जेड की वैल्यू जेड माइनस मॉड जेड माइनस लेस देन डेल्टा है, देन मॉड एफ जेड माइनस है लेस देन एप्सिलॉन है, देन एफ जेड लिमिट ऑफ एफ जेड विल बी एल एज जेड टेंड टू ए। नेक्स्ट कंटिन्यूटी देखो, ए फंक्शन एफ जेड ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जेड डिफाइंड इन द क्लोज्ड एंड बाउंडेड डोमेन डी इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट ए इन डी इफ एंड ओनली फॉर एनी आर्बिट्रेरिली चोजन पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन हाउएवर स्मॉल बट नॉट जीरो देयर एग्जिस्ट अ करेस्पोंडिंग नंबर डेल्टा ग्रेटर देन जीरो such that mod fz minus fa less than epsilon whenever mod z minus a less than delta. It follows from the definition of limit and continuity that fz is continuous at z is equal to a if and only if limit z tends to a fz is equal to fa. Yahan par limit jo fz ki hai wo fa ke barabar hogi, then the function f is continuous at a. Ye hona bahut zaruri hai, jaise hum log real number mein dekhte hain waise hi complex number ke case mein hai. So these are all definitions, इनको भी जल्दी से लिख लीजिए आप लोग, तो हम लोग फिर आगे चलते हैं। कोई डाउट है तो पूछिए। जो देर से ज्वाइन किए थे, कल क्लास नहीं किए थे, देखो आर्गेंट प्लेन क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जो प्लेन है वही आर्गेंट प्लेन होता है। एक्चुअली वो भी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होता है, बट उनपे हम लोग पॉइंट्स के रूप में दिखाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, वही आर्गेंट प्लेन हो गया। क्लास रेगुलर अगर किए रहोगे तब तुम्हें ये पूछना नहीं पड़ेगा। सर ये नया चैप्टर है। क्या बोला पीयूष? ये नया चैप्टर सर। तुम नहीं क्लास किया था कल? कल छोड़ दिया था सर, उससे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन चल रहा था। तो ये नया चैप्टर क्या है, उसी कॉम्प्लेक्स का जो पढ़ाए थे उसी में आगे चल रहे हैं? डिफरेंशियल हम कहाँ पढ़ाए? डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर। तुम कौन सा सेमेस्टर का है? मैं सर परसों। कौन सेमेस्टर है तेरा? फर्स्ट ही सर। हैं,
सेकेंड है सर, सेकेंड सेमेस्टर कौन सा तेरा है? सेकेंड इस सेमेस्टर सेकेंड का क्लास नहीं है, तो हम तो ग्रुप में नहीं डाले अभी क्लास का टाइमिंग, क्यों तुमने ज्वाइन किया? मतलब सेमेस्टर वन में सर आप बोले थे प्रमोट हो गया है, तुम्हारी क्लास तो ये है नहीं, क्यों ज्वाइन किया तुम? सर ये यही मेरा सर एक वजह से है, सेमेस्टर वन में है, मतलब है हम ग्रुप में डाले हैं जो तुम आके ज्वाइन कर लिया सेमेस्टर टू का तुम हो करके। सेमेस्टर टू नहीं है सर, सेमेस्टर वन ही है, आप बोले थे प्रमोट हो गया। तो अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे। वी से दैट एफ जेड इज ए कंटीन्यूअस फंक्शन इन डोमेन इफ इट इज कंटीन्यूअस एट एवरी पॉइंट जेड इन डी। वी कैन इजीली शो दैट एफ जेड इज इक्वल यू प्लस आई वी इज ए कंटीन्यूअस फंक्शन ऑफ जेड इफ एंड ओनली यू एंड वी आर बोथ कंटीन्यूअस फंक्शंस ऑफ एक्स एंड वाई। एक यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी भी देख लेते हैं हम लोग। ए फंक्शन एफ जेड डिफाइंड इन डोमेन डी इज सेड टू बी यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस इन डी इफ गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट मॉड एफ जेड 1 माइनस एफ जेड 2 लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विथ अ डोमेन एंड नॉट विथ अ सिंगल पॉइंट ऑफ इट। जैसे उसमें था एफ जेड माइनस एफ ए था, लेकिन यहाँ पे एफ जेड वन माइनस एफ जेड टू हो गया, ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का बात हो गया। इफ एफ जेड इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस इन डोमेन डी इट इज कंटिन्यूस इन डी। A function which is continuous in a closed and bounded domain D is uniformly continuous in D, whereas function continuous in an open domain D dash may fail to be uniformly continuous in domain D dash. अब आते हैं हम लोग differentiability का concept देखें। Since the mode of definitions of continuity is the same both in the case of functions of the real and complex variables, therefore definition of differentiability of a complex function is identical with that of the real function. ठीक है, real के जैसा ही इसमें भी है। Let f z be a function of complex variable z defined in domain D. Then f z is said to be differentiable at point z zero if of D, if and only if limit delta z tends to zero f z zero plus delta z minus f z zero over delta z or limit z tends to zero f z minus f z zero over z minus z zero exists finitely. And this limit, if it exists finitely, is called the differential coefficient or derivative of f with respect to z at z is equal to z zero. हम लोग real number के केस में भी यही देखते हैं कि f dash x को एग्जिस्ट करना चाहिए, यहाँ पर वही बात है कि f dash z को एग्जिस्ट करना चाहिए। It is denoted by f dash z zero or by d f z zero. If the value of the above limit as z tends to z zero is not unique, that is the if the limit depends upon amplitude delta z. Amplitude delta z means जो एंगल बनता है उसके लिए tan inverse y by x. We say that the derivative of z at z is equal to z zero does not exist, or the function f z is not differentiable at z is equal to z zero. अगर ये एम्पलीट्यूड जेड डेल्टा जेड पे डिपेंड कर जाएगा तो इसकी वैल्यू अलग अलग थीटा के लिए अलग अलग हो जाएगी, दैट इज व्हाई एफजेड इज नॉट डिफरेंशिएबल। हेंस वी हैव टू शो दैट एफजेड इज नॉट डिफरेंशिएबल, वी शुड ट्राई डिफरेंट पाथ्स फॉर डेल्टा जेड। वाई इज इक्वल टू m1x ले ले, वाई इज इक्वल टू m2x ले ले, m1 m2 आर डिफरेंट, उनके लिए अगर वैल्यू डिफरेंट आ गई तो हो जाएगा कि हाँ ये डिफरेंट है और नॉन डिफरेंशिएबल है। कन्वीनियंट पाथ्स फॉर डेल्टा जेड आर अलोंग रियल एंड इमेजिनरी एक्सिस, दैट इज वी कैन टेक डेल्टा जेड आइदर होली रियली और होली इमेजिनरी। तो इसको भी तुम लोग नोट डाउन कर लो, कोई प्रॉब्लम अगर आते हैं, कोई डेफिनेशन में दिक्कत किसी में समस्या बोलो मुझे।